दोस्तों महाभारत कथा का जिक्र दुर्योधन के बिना अधूरा है। इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक भी दुर्योधन को ही माना जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं महाभारत का युद्ध दुर्योधन का अपना लालच का ही परिणाम था। वैसे तो दोस्तों आप सबको ये पता ही होगा कि सूर्य पुत्र कर्ण दुर्योधन का सबसे खास मित्र था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक बार दुर्योधन कर्ण और उसकी पत्नी एक साथ एकांत में देख लिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी पत्नी को दुर्योधन कर्ण के साथ देखने पर उन दोनों के साथ क्या किया था। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बात। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र था। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस प्रकार से जकड़े हुए थे कि वो दुर्योधन के अवगुणों को देख ही नहीं पा रहे थे, और इसका परिणाम महाभारत के युद्ध में देखने को मिला। वैसे तो दुर्योधन में लाख बुराइयां थी, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि दुर्योधन अधर्मी होने के बाद भी एक सच्चा मित्र और अपनी पत्नी पर विश्वास करने वाला पति था। ऐसा मैं आप सबसे क्यों कह रहा हूँ ये जानने से पहले दुर्योधन की पत्नी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमती था। भानुमती कम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जब भानुमती बड़ी हुई तो हर राजा की तरह राजा चंद्रवर्मा ने भी अपनी बेटी के लिए स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा पहुँचे थे। इसमें शिशुपाल, जरासंघ, रुक्मी, बकरु, दुर्योधन और कर्ण भी शामिल थे। जब भानुमती हाथ में माला लेकर दरबार में पहुंची तो दुर्योधन भानुमती की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। भानुमती ने दुर्योधन को तो देखा लेकिन आगे बढ़ गई और दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब दुर्योधन से नहीं रहा गया तो उसने स्वयं ही बलपूर्वक माला अपने गले में डाल ली। दुर्योधन की इस हरकत पर स्वयंवर में मौजूद दूसरे सभी राजाओं ने घोर विरोध किया। यहाँ तक कि कई राजाओं ने अपनी तलवारें निकाल ली। अब एक सच्चे मित्र की तरह कर्ण ने दुर्योधन की मदद की। दरअसल कर्ण ने आगे बढ़कर सभी राजाओं से ये कहा कि जिसे भी परेशानी हो पहले वो मुझे पराजित करके दिखाए, मुझे पराजित करने के बाद से दुर्योधन से युद्ध करना। कर्ण की ऐसी ललकार सुनकर दूसरे सभी राजा पीछे हट गए, लेकिन जरासंघ नहीं माना। इसके बाद 21 दिनों तक कर्ण और जरासंघ के बीच महायुद्ध चला और अंत में कर्ण की जीत हुई। दोस्तों भानुमती को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि इसमें पितामह भी अपने सौतेले भाई के लिए अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका का हरण करके ले आए थे। और दुर्योधन की ऐसी तर्क से भानुमती भी मान गई और दोनों ने खुशी पूर्वक एक दूसरे से विवाह कर लिया। हालांकि विवाह के बाद भानुमती भी दुर्योधन से प्रेम करने लगी थी और दोनों की दो संतानें भी हुई। दोनों ने पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रख दिया था। दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने मारा था, जबकि पुत्री लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के जयमंती के पुत्र सांब के साथ हुआ था। कहा जाता है कि दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के ऊपर आँख बंद करके भरोसा करता था, वहीं वो दूसरी तरफ अपनी पत्नी भानुमती से भी बेशुमार प्रेम करता था और वो शिकार पर जब भी जाता था तो भानुमती को अपने साथ लेकर जाता था। यही नहीं, कुछ ही दिनों में कर्ण और भानुमती की भी अच्छी मित्रता हो गई थी। दोस्तों एक बार की बात है, कर्ण अपनी मित्र दुर्योधन की अनुपस्थिति में भानुमती के कमरे में जा पहुँचा। कर्ण और भानुमती मित्र थे तो दोनों चौसर खेलने लगे। अभी वहाँ पर अचानक दुर्योधन आ गया। अपने पति का आहट सुनकर भानुमती डर गई और चौसर से खड़ी हो गई। दुर्योधन के आने से अनजान कर्ण ये सोच बैठा कि भानुमती हारने की डर से उठ रही है, जिससे कर्ण ने भानुमती का आंचल खींचकर उसे पुनः बैठाने का प्रयास किया। कर्ण की इस हरकत के कारण भानुमती का आंचल फट गया और उसके आंचल में लगे मोती टूटकर नीचे बिखर गए। मोतियों को बिखरते ही दुर्योधन वहां आ पहुंचा। दुर्योधन को देखकर कर्ण और भानुमती दोनों ही लज्जित महसूस करने लगे। उन्हें डर सताने लगा कि दुर्योधन क्या समझेगा। दोस्तों जब दुर्योधन पास आया तो कर्ण और भानुमती दोनों ही उसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने भानुमती से हंसकर कहा, मोती बिखरे ही रहने दोगी या मैं तुम्हारी मदद करूं। इन मोतियों को समेटने में दुर्योधन का ये विश्वास देखकर कर्ण भावुक हो गया और बाद में उसने अपने मित्र से पूछा कि तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया। तब दुर्योधन ने कहा कि हे मित्र कर्ण, दुनिया में तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ, और दूसरी तरफ मेरी अर्धांगिनी भानुमती है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। तुम दोनों पर शक करने का अर्थ स्वयं पर शक करने का समान होगा। क्या कर्ण तुम्हें लगता है कि कोई मनुष्य स्वयं पर शक कर सकता है। और यही तो गलती हो गई दुर्योधन से, क्योंकि भानुमती कर्ण की प्रत्येक दिन उसकी जय जयकार सुन, उसकी महानता सुन, उसकी वीरता की गाथा सुन कर्ण पर मोहित होते जा रही थी और वो दुर्योधन की आंख बंद करके विश्वास करने का फायदा भी उठाना चाहती थी। इसकी आगे की जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिख दे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।